हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। तो देखते हैं, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कोल और एक पेट्रोलियम। कोल तो आपको सबको पता है, कोयला होता है। पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है, ये कुछ डिफरेंट चीज़ है। तो देखते हैं पेट्रोलियम क्या होता है और कैसे हम इसको प्रोसेस करके यूजफुल बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम ऑफ देम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स। तो हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, कुछ सारी नेचर में डायरेक्टली मिलती हैं, कुछ सारे ह्यूमंस बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें हमें नेचर से सीधे सीधे मिल जाती हैं और कुछ चीजें हम बनाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स used by us in daily life and classify them as natural and man-made। तो आप ये लिस्ट बना सकते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल है, नेचुरल क्या होता है, वुड। मैन मेड क्या है, प्लास्टिक। तो ये दो उसके सिंपल एग्जाम्पल है। ऐसे ही आप अपने आस पास देखिए, और बहुत सारी चीजें होंगी। जैसे नेचुरल मटीरियल्स में हमें और क्या मिलता है, नेचुरल मटीरियल्स में जैसे हमें हनी मिलती है, हनी मिलता है। लेकिन शुगर, शुगर मैन मेड होती है, शुगर मैन मेड है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैन मेड है और नेचुरल है। हनी नेचुरल है जबकि शुगर क्या है, मैन मेड है। डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड मिनरल्स। क्या इस लिस्ट में एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स हैं? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इसमें बहुत सारी चीजें हमें डायरेक्टली नेचर से मिलती हैं, जैसे एयर, वाटर, सॉइल और मिनरल्स। ये कहाँ से मिलते हैं हमें, डायरेक्टली नेचर से। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, किससे मिलते हैं, नेचर से। तो इन्हें क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर, क्या हम अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा यूज कर सकते हैं, हमेशा के लिए? क्या हम अपने सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हमेशा के लिए यूज कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या एयर यानी हवा, वाटर पानी और सॉइल मिट्टी, क्या कभी खत्म हो सकती है अगर ह्यूमन एक्टिविटीज से, क्या हो सकती है या नहीं हो सकती? यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन चैप्टर, सॉरी क्लास 7। तो 7th क्लास में हमने वाटर के बारे में पढ़ा था। इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स, क्या वाटर लिमिटलेस है, जितना हम चाहे उतना इस्तेमाल करें? तो इस बारे में हमें सोचने की जरूरत है, क्या ये चीजें लिमिटलेस है या अनलिमिटेड है, आती जाएंगी, हम यूज करते जाएंगे और आती जाएंगी और आती जाएंगी, या फिर ह्यूमंस इसे खत्म कर देंगे। एक लिमिट आएगी जब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एयर, वाटर और सॉइल भी खत्म हो जाएंगे। इन द लाइट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। तो जैसे ये इनकी अवेलेबिलिटी होती है नेचुरल रिसोर्सेज के, उसके हिसाब से हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब होता है किसी चीज को भी खत्म कर देना। एग्जॉस्ट का मतलब हो गया किसी भी चीज को खत्म कर देना। इन एग्जॉस्टेबल का मतलब जो खत्म ना हो सके, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो खत्म नहीं हो सकते। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये जो है रिसोर्सेज कैसे होते हैं, नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में, यानी बस अनलिमिटेड है, ये खत्म नहीं किया जा सकते। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। तो और इनको ह्यूमन एक्टिविटीज से खत्म नहीं किया जा सकता। नॉट लाइकली का मतलब खत्म नहीं होने के चांसेस है, मतलब ये गारंटी नहीं है कि खत्म नहीं होंगे, बट ज्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज से ये कभी खत्म नहीं हो सकते। इसके एग्जाम्पल क्या है, सनलाइट एंड एयर। तो सनलाइट क्या ह्यूमन एक्टिविटी से कभी खत्म हो सकती है, नहीं। एयर, एयर का भी देखिए वाटर की तरह बहुत डिफिकल्ट केस है। एयर पॉल्यूटेड है बट एयर खत्म नहीं हो रही,
एयर पॉल्यूटेड हो रही है लेकिन एयर खत्म नहीं हुई। सिमिलरली वाटर का भी केस क्या है कि यूजेबल वाटर, यूजेबल वाटर जो वाटर है जो हम यूज कर सकते हैं वो हम खराब करते जा रहे हैं, बट वाटर नहीं खत्म हो रहा, वाटर नालियों में बह रहा है, वाटर अलग अलग जगह जा रहा है लेकिन वाटर खत्म नहीं हो रहा। हम कर क्या रहे हैं कि एक जो पोटेबल वाटर है, पोटेबल यानी जिसे हम यूज कर सकते हैं, वो सारा वाटर भी क्या कर रहा है, खराब और गंदा कर दे रहा है। ऐसा नहीं कि वाटर कहीं जा रहा है लेकिन हम जो यूजफुल वाटर है वो खराब कर दे, ऐसी हम यूजफुल एयर खराब कर दे रहे हैं। और सनलाइट, सनलाइट भी बहुत चीजों से अफेक्ट होती है, अगर धूल है धुआं है तो सनलाइट अफेक्टेड हो जाती है। तो सेकंड क्या चीज है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टेबल का मतलब जो चीजें खत्म हो सकती हैं, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, तो इनका जो अमाउंट है वो क्या है, लिमिटेड। पहले वाले में देखो क्या है, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, यहां क्या है, लिमिटेड। तो एग्जॉस्टिबल वाले क्या है, लिमिटेड, तभी तो ये खत्म हो जाएंगे, तभी तो ये खत्म हो जाएंगे। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, तो ह्यूमन एक्टिविटीज से खत्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, फॉरेस्ट है, तो अगर हम काटते चले जाएंगे तो फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे, हो भी रहा है धीरे धीरे। वाइल्ड लाइफ, हमारे बहुत सारे एनिमल्स, जैसे काफी सारे एनिमल्स को हम ज्यादा मार देते तो वो एक्सटिंक्ट ही हो जाते हैं, तो वाइल्ड लाइफ। मिनरल्स, मिनरल्स भी अगर हम निकालते चले जाएंगे तो मिनरल भी इनफाइनाइट नहीं होते, वो भी एक लिमिट पे आके मिनरल्स भी क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। कोल, कोयला, कोयला भी जो है खत्म हो जाएगा एक दिन। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम अभी हम डिस्कस करेंगे बट पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं है। और नेचुरल गैस, ये सब भी क्या है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये सारे कब, एक दिन आएगा जब अगर हम इसे यूज करते चले जाएंगे तो खत्म हो जाएंगे। जैसे सनलाइट, एयर और वाटर, ये इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये खत्म नहीं होंगे ह्यूमन एक्टिविटीज से। तो बस डिफरेंस ये है कि जो यूजेबल वाली कंडीशन है एयर और वाटर की, वो खराब हो जाएगा बट एयर और वाटर खराब नहीं होगा। तो लेट अस सी ये एक्टिविटी 5.2 क्या है। टेक सम कंटेनर्स, तो हमने कुछ कंटेनर्स लिए, ठीक है, और ये ग्रुप एक्टिविटी है तो ग्रुप के साथ करनी है, बट अभी तो ग्रुप है या नहीं है देखते हैं। फिल देम विद पॉपकॉर्न्स, तो अब हमने ने क्या करा, कंटेनर को, एक कंटेनर को पॉपकॉर्न वगैरह, पीनट्स या रोस्टेड ग्राम यानी भुने हुए चने या टॉफीज, तो पॉपकॉर्न पीनट्स या रोस्टेड ग्राम और टॉफीज से हमने ने क्या भर दिया। डिवाइड स्टूडेंट्स इंटू ग्रुप ऑफ 7 each, तो 7 ग्रुप है स्टूडेंट के, और कंटेनर से कंटेनर में लेटर से हमने ये टॉफीज भर दी, कंटेनर में हमने क्या भर दी, टॉफीज भर दी, ठीक है, टॉफीज भर दी। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इंटू 3 sub groups कंटेनिंग 1, 2 and 4 students, तो देखो हमारे पास 7 7 के कितने ग्रुप है, 4 or 5 group है, सारे स्टूडेंट्स को हमने 7 के ग्रुप में बांध दिया है, और हर एक ग्रुप को भी सब ग्रुप है, जैसे एक ग्रुप ये रहा, इस ग्रुप में भी 3 sub group है, एक एक स्टूडेंट का, एक 2 students का और एक 4 students का, तो टोटल ये 7 का ग्रुप है। 7 के ग्रुप में भी एक एक पर्सन है, एक 2 persons है, एक जगह 4 persons है, ऐसे करके 7 7 के ग्रुप्स है। लेबल देम एज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रेस्पेक्टिवली, तो वी कैन से दिस कि ये फर्स्ट जनरेशन है, ठीक है, इसको कह दिया हमने सेकेंड जनरेशन है, इसको हमने कह दिया थर्ड जनरेशन है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन में 1 person है, सेकेंड जनरेशन में 2 और थर्ड जनरेशन में 4 persons है। अब हम देख चुके इस तरीके से हमने 7 के ग्रुप बना लिए, कुछ डब्बे हैं कंटेनर्स जिसमें क्या है, टॉफीज भरी हुई है, और उस ग्रुप में सब ग्रुप है जिसमें एक बच्चा है, फिर 2 बच्चे हैं, फिर 4 बच्चों का सब ग्रुप है। एक बच्चे वाले को हम फर्स्ट जनरेशन कह रहे हैं, 2 बच्चे वाले को सेकंड, और 4 बच्चे वाले को हम कह रहे हैं थर्ड जनरेशन। तो इस तरीके से ये हमने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब क्या हुआ कि दीज सब ग्रुप्स प्रेजेंट द कंज्यूमर्स, तो इन सब ग्रुप से क्या पता चलता है हमें, कंज्यूमर जो से यूज करने वाले हैं। एज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो
फर्स्ट जनरेशन में कम बच्चे होंगे, सेकंड में ज्यादा और थर्ड में और ज्यादा।